जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप, कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं आंखों की पुतलियों और आंखों के आसपास होने वाले खास तिल के चिन्ह के विषय में और काले दागों के विषय में, यानी कि कोई धब्बा भूरा या काला जैसा आपकी आंखों के आसपास या आंखों के अंदर पुतलियों में दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसमें लिंग भेद नहीं है, यानी कि स्त्री का हो तो लेफ्ट और पुरुष का हो तो राइट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये दोनों के लिए एक समान काम करता है। शुरुआत करेंगे तिल के चिन्ह से। जब भी किसी स्त्री या पुरुष के आँख के मध्य में, यानी कि इस नीचे वाले क्षेत्र में, जब भी आपको अंदर में अगर काले तिल की स्थिति दिखाई देती है तो यह अत्यंत शुभ है। ये दिखाती है कि जातक का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। चाहे जातक का जन्म जिन भी परिस्थितियों में हुआ है, जातक अपने बुद्धि और बल के द्वारा, अपने साहस के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को काफी ऊंचाई तक ले जाएगा और जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करेगा, जीवन में फेमस होगा और आर्थिक यानी कि फिनेंशियली भी, पैसों के मामले में भी जातक काफी समृद्ध होता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय आमतौर पर 16 वर्ष की आयु के पश्चात निश्चित तौर पर हो जाता है। इसमें भी हालांकि एक चीज गौर करने वाली है कि जैसे आपकी दाहिनी आंख है तो दाहिनी आंख के इस तरफ अगर है तो इसका क्या प्रभाव है और बाहरी क्षेत्र में होने से क्या प्रभाव होता है। देखो, इस तरफ जब भी होगा ऐसे व्यक्ति थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं, भावुकता भी अंदर इनके अंदर होती है और किसी और के माध्यम से, यानी कि किसी के सहायता से, जिसमें एक तरीके की सहायता होगी, आप भी किसी का करेंगे, वो भी किसी का करेंगे और पार्टनरशिप के माध्यम से या एक दूसरे के साथ मिलकर जातक अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का काम करते हैं। इस बाहरी क्षेत्र में होता है तो जातक एकला चलो की नीति को अपनाते हुए अपने बुद्धि बल के द्वारा जीवन को काफी बेहतर ऊंचाई तक ले जाने का काम करते हैं। ऐसे लोग काफी पैनी बुद्धि के होते हैं, काफी प्रोफेशनल होते हैं। इधर के मामले में भावुकता इनके अंदर थोड़ी ज्यादा होती है और थोड़े ज्यादा आपको मिले जुले दिखाई देंगे सबके साथ। लेकिन इनके मामले में क्या होता है कि सबके लिए अच्छी सोच होती है लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी कभी इनके अंदर एक स्वार्थ बुद्धि देख लेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप तक सीमित रहने की एक स्थिति देख लेंगे। लेकिन आर्थिक तौर पे बड़ी समृद्धि को निश्चित तौर पे बना के देता है, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो। इसके अलावा यहाँ पर काले दाग जैसी स्थिति आ जाए या इस तरफ आ जाए तो इसका क्या मतलब है। इस तरफ अगर आएगी तो ऐसे में व्यक्ति का जन्म सामान्य परिवार में हुआ होता है और जातक आगे चल के अपने जीवन को समृद्धि की तरफ ले जाने का काम करता है, सबको साथ लेते हुए। लेकिन जब इस तरफ होगा तो किसी अप्रत्याशित काम के द्वारा, जो कि उनके कुल खानदान में या उनके जीवन में कभी ना आया हो, उस क्षेत्र में जाके, जो क्षेत्र अननोन हो, जिस क्षेत्र में पहले आपने उन्हें कभी ना देखा हो, ना सोचते हुए, ना जानते हुए, ना उसके विषय में पढ़ते हुए, तो उस क्षेत्र में ऐसे जातक बड़ी तरक्की प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखें भूरी है और मध्य में कहीं काले धब्बे जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, जो कि अमूमन कम दिखाई देती है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति कभी भी है तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे अपने जीवन में जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे इन्हें अपने जीवन में अत्यंत लाभ की स्थिति प्राप्त होती चली जाती है। वहीं अगर बाईं आंख में ऐसी स्थिति बन रखी है तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपके आसपास थोड़ी ज्यादा मात्रा में होगी। आप चीजों को करने की कोशिश करेंगे लेकिन जिस प्रकार से सफलता मिलनी चाहिए उस प्रकार से सफलता के योग आपको दिखेंगे नहीं। 100% करने के बाद 25% तक आपको वहां से लाभ की गुंजाइश बनी रहेगी। लगातार मेहनत करने के बाद भी जो लाभ वहां पर आपको दिखना चाहिए उसके लिए आपको अथक परिश्रम करते रहना पड़ जाएगा, लेकिन उस तरीके से आपको जीवन में प्राप्त होती हुई नहीं दिखेगी। किसी और का अगर सहयोग आप लेते हैं तो उसमें भी आपको घाटे के योग ही यहां पर बनते चले जाते हैं। लेकिन वहीं बाहरी तरफ ऐसी स्थिति होगी तो ऐसे मामलों में जातक, जहां पे जातक का जन्म हुआ है वहां आसपास से संबंधित कोई कार्य करेंगे, भूमि से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो वहां पर जातक के लिए लाभ के योग बनते चले जाते हैं। बाहरी क्षेत्र में तब आपके लिए बस एक दुर्लभ मामले में सफल होता है जब व्यक्ति का किसी परदेशी महिला यानी विदेशी महिला या पुरुष के साथ, अगर आप पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष, तो उनके साथ अगर कोई वैवाहिक संबंध स्थापित होता है तो उस मामले में जातक के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन उस स्थिति में हथेली या कुंडली की स्थिति भी यहाँ पर देखी जानी अनिवार्य है, तो उसके पश्चात ही इसके बारे में स्पष्ट आप मत प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा।
इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में बिल्कुल कॉर्नर के क्षेत्र में यहाँ पर तिल की स्थिति आ जाए आपके दाहिने भाग में या बाएं भाग में, तो ऐसी स्थिति क्या दिखाती है? जब भी ऐसी स्थिति दाहिनी भाग में बनेगा, ये वैवाहिक जीवन के पश्चात जीवन के समृद्धि की स्थिति को दिखाता है, जिसमें पति पत्नी आपस में मिलकर जीवन को बेहतर स्थिति तक ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ होगा तो विभिन्न प्रकार के मनभेद मतभेद की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी और मन काफी चंचल स्थिति में आपको दिखाई देगा। अब बिल्कुल इस कॉर्नर में यहाँ पे आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा? इसमें मिले जुले प्रभाव दिखाई देते हैं। व्यक्ति के अनुसार, आपके भाग्य रेखाओं की अन्य स्थितियों के अनुसार इसके अलग अलग प्रभाव कुछ लोगों में दिख सकते हैं, लेकिन जो सामान्य सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाला है, दाहिने भाग में होने पर क्या है, ऐसे व्यक्ति अपने हाथों से किसी को पैसा न दे, किसी को कुछ भी दान पुण्य न करे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इस तरफ वाले लोग अपने ही हाथ से करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा इधर अपने हाथ से करेंगे तो दुर्भाग्य पास में आएगा, निर्धनता पास में आएगी, और इस तरफ करेंगे तो दुर्भाग्य दूर जाएगा, निर्धनता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। अब इस बाहरी क्षेत्र में यहाँ पर कभी किसी के तिल की स्थिति बन रही है तो क्या होगा? दाहिनी तरफ होने से क्या है कि कामुकता को कई बार बढ़ा देने का काम करता है। आपके अंदर स्त्री पुरुष संसर्ग के ख्याल कई बार आते हैं, व्यक्ति बहिर्मुखी होता चला जाता है, बाहर की चीजों में वो खुशियां ढूंढना शुरू कर देता है और कई कई बार गलत रास्तों की तरफ भी उसे प्रवृत्त होता देखा गया है। वही दाहिनी तरफ रहेगा तो निराशा ऐसे में हावी रहती है, लेकिन चीजों को लेकर चलने की कोशिश करता है। हालांकि इधर के मामलों में मतलब संतोषप्रद जीवन रहेगा, लेकिन पैसे भी कोई बहुत मात्रा में नहीं आएंगे। इधर होने से क्या होता है, किसी न किसी माध्यम से धन आता रहेगा, ऐसे लोगों को दिखाता है। अब मान लो आपकी पलकों पे है, तो पलकों पे होने से जो है इसका आपके जीवन पर, आपके ज्ञान पर, आपकी बुद्धि पर, आपके इमोशंस पर, इन सब पर असर पड़ता है। दाहिनी तरफ होने से निश्चित तौर पर आपको इमोशन को कंट्रोल में रखता है, ब्रेकडाउन से आपको बचाने का काम करता है, दूसरे को भी आप बेहतर सलाह दे पाने में सक्षम होते हैं। इस तरफ होने से आप अपने लिए बेहतर कर पाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर आप नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्दी क्रोध की स्थिति बन जाएगी, बहुत जल्दी फिसलन की स्थिति एक चारित्रिक मामले में आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। इस तरफ होने से बुद्धिमानी आपके अंदर रहेगी, इस तरफ होने से कर्ण जैसी एक स्थिति हो जाएगी, समय पर ज्ञान आपको याद नहीं आएगा, तो ऐसी स्थितियों को यहाँ पे दिखाने का काम करता है। अब बात करेंगे आईब्रोज में। आईब्रोज के बिल्कुल किनारे सटे हुए स्थिति में जब भी यहाँ पर हो तो इसका क्या मतलब है? दाहिनी स्थिति में जब भी यहाँ पर होता है ये आपके मैरिज लाइफ में, इसमें हालांकि उल्टा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, जब भी इस क्षेत्र में अगर होगा ऊपरी क्षेत्र में, ये मैरिज की जो आपकी लाइफ है उसमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रगल को दिखाएगा, तनाव की स्थिति को दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ होने से अस्थायित्व की स्थिति को ये कई बार दिखाने का काम करता है। देखो, अब मैरिज में कई पहलू होते हैं, तो ये उन पहलुओं को दिखाता है जिसमें व्यक्ति का आंतरिक प्रेम और आंतरिक मेल जोल की जो एक स्थिति है उसमें यहाँ पे आपको डाउन स्थिति दिखाई देगी, यहाँ पे अप स्थिति दिखाई देगी, तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा बाकी अन्य जगहों पर तिल की स्थिति के कारण इसके प्रभावों में वृद्धि या नुकसान की स्थिति भी आप कई बार देख सकते हैं, लेकिन जो एक मूल है इसका वो यही है कि दाहिने भाग में जब भी हो आपके दाग धब्बों जैसी स्थिति, और पूरे क्षेत्र में जहां भी मैंने तिल बनाया है वहां पर धब्बों को भी उसी तरीके से माना जाए कि तिल हो या धब्बा हो वो बराबर मात्रा में काम करेगा आपके लिए। तो जब भी यहां पर हो वो आपके लिए निश्चित तौर पर अत्यंत शुभ है, और इसके सुप्रभाव आपके जीवन में अभी भी दिखाई दे रहे होंगे अगर होंगे तो, और आगे आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।